नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। पहले कश्मीर से 370 हटा, फिर भारत ने पाकिस्तान को ठीक करने के लिए दुनिया के सामने अलग थलग किया और कश्मीर में 370 हटने के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। इसी काम से बिलबिलाए पाकिस्तान, पानी पी पी कर भारत को लानत मलामत भेज रहा है। और अब इसी कड़ी में पाकिस्तान को एक और सदमा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त पर एक और शॉक दिया। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश पर मंडराते खतरे को देखते हुए नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्रिएट करने की घोषणा की, जो काफी लंबे समय से लटका पड़ा था। सीडीएस सरकार को सिंगल पॉइंट मिलिट्री सलाह देगा और जल थल और वायुसेना के बीच समन्वय बैठाने का काम करेगा। इसी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले से ये ऐलान करने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि आर्मी से चीफ जनरल इस पद की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों की माने तो एक टॉप लेवल की कार्य समिति सीडीएस के तौर तरीकों और भूमिका के बारे में नवंबर तक काम करेगी। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BS धनोवा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। सूत्रों की माने तो सीडीएस की रैंक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से ऊपर होगी, भले ही वो उनकी तरह ही 4-स्टार जनरल हो। भविष्य में इसे 5-स्टार जनरल भी किया जा सकता है। वहीं रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो डिफेंस क्षेत्र के एक बड़े तबके को ऐसा लगता है कि भारत को 5-स्टार सीडीएस की जरूरत है, जिसके पास पूरी ऑपरेशनल कंट्रोल भी हो। लेकिन दूसरों का मानना है कि इस पद के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे राजनीतिक ब्यूरोक्रेटिक विचार विमर्श के कारण ऐसा होना मुश्किल है। कुछ लोगों को तो ये भी आशंका है कि ऐसा करने से सत्ता पलट की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है और ऐसे में अगर बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं तो ये सीमा और देश दोनों के लिए शानदार होगा और पाकिस्तान चाइना के लिए सिरदर्द होगा।